हर हर महादेव। आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर कहानी मैं लेके आया हूँ। एक बार की बात है, सरकार ने आदेश किया सर्कस में जितने भी शेर हैं उनको आज़ाद किया जाए, तो सर्कस के मालिक ने शेर को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। शेर जा रहा है और इसको भूख लगी है, क्योंकि जब ये सर्कस में था तो इसको टाइम से मांस दिया जाता था, पानी दिया जाता था, खाता तीनों टाइम, और किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, और सर्कस के मालिक के इशारे पे चलता था। इसको शिकार कैसे किया जाता है इस सब की जानकारी जा रहा है, और परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है इसकी भी जानकारी जा रहा है। तो एक कुत्ता पीछा करना चालू कर दिया और शेर भागना चालू कर दिया, क्योंकि शेर दूसरे के ऊपर निर्भर था, उसको टाइम से खाना मिलता था, पानी मिलता था, जैसा करता था वैसा करता था, तो दूसरे के इशारे पे उसको अपने ताकत का अंदाजा नहीं था कि हमारी ताकत क्या है। कुत्ता दौड़ाना चालू कर दिया और शेर भागना चालू कर दिया। कुत्ता दौड़ाता गया, खाई में शेर गिर गया और कुत्ता उसको तोड़ करके कुत्ता उसकी जान ले गया और शेर मर गया। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी हमको परिस्थिति से लड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि हर सुख सुविधा में हम पले हुए हैं, अपने बच्चे को पालते हुए हैं। खराब समय आता है तो बच्चे परिस्थिति को झेल नहीं पाते हैं और परिस्थिति से हार जाते हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट शेयर लाइक जरूर करें।